क्या आपको पता है आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कैसे निकाला जाता है? नहीं तो आप ये वीडियो देखिए, आपको बहुत काम आएगा। मान लिया जाए आपके घर में एसी, कूलर या पंखा या कोई भी सामान जो इलेक्ट्रिक से चलता है आप ले लिए। यहाँ मैंने एसी लिया है जो 400 वाट का, और आप इसे डेली 6 घंटा चलाते हैं, तो मई महीने में आपका कितना यूनिट खर्च होगा ये कैसे पता करें? तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यूनिट इक्वल टू PhD/1000। यहाँ P मतलब पावर, H मतलब आवर, D मतलब डे। और आप देखिए, आपने पावर 400 वाट यूज किया है, डेली आप 6 घंटा चलाते हैं, और मई महीने में 31 दिन होता है, इसलिए यहाँ 31 से डिवाइड गुना किया बाय 1000। अब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका यूनिट 74.4 आ जाएगा। मान लिया जाए आपका एक यूनिट का बिल 7 रुपया है, तो 74.4 यूनिट का बिल 520 रुपया आएगा। इस तरह से आपका इलेक्ट्रिसिटी